नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार उत्सव चैनल हो गया, सोनी पल चैनल हो गया, जी अनमोल कलर रिश्ते, ये चारों चैनल 1 अप्रैल के बाद से डीडी फ्री डिश से हट गए हैं और ये दोबारा वापस कब आएंगे, इनके बारे में क्या न्यूज है, वो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये चारों चैनल 1 अप्रैल के बाद से डीडी फ्री डिश से हट गए हैं, जिससे इसका काफी विरोध हो रहा है, काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण इन चारों चैनल का डीडी फ्री डिश पर वापस आना तय हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 अप्रैल से पहले पहले ये सारे चैनल डीडी फ्री डिश पर आते थे और इस पे जितने भी सीरियल चलते थे लोग काफी पसंद करते थे, जिसकी वजह से इन सारे चैनल्स की टीआरपी बहुत हाई थी और इनकी काफी ज्यादा डिमांड थी। लेकिन दोस्तों टीआरपी को हाई देखते हुए ये सारे चैनल अपने आप को फ्री डिश को छोड़कर पेड वाले डीटीएच पे जाना पसंद किए और वहां पे जाके इनकी टीआरपी गिर गई, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी पेड वाले डीटीएच है उस पे ऑलरेडी पहले से अच्छे अच्छे चैनल आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सीरियल आ रहे हैं, जिसको लोग वहां पे देख रहे हैं, वहां पसंद कर रहे हैं। और ये सारे जो फ्री डिश के चैनल थे जैसे कि स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल कलर रिश्ते, ये सारे चैनल फ्री डिश को छोड़ के पेड वाले डीटीएच पे गए हैं और वहां पे इनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, इनके जो सीरियल है उनको भी कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सारे चैनल को डीडी फ्री डिश पर ही लोग देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं कि ये चारों चैनल 2019 में भी डीडी फ्री डिश को छोड़ के गए थे और वहां पे टीआरपी जाकर जो पेड वाले डीटीएच है वहां पे इनकी टीआरपी फिर गिर गई थी और दोबारा ये वापस डीडी फ्री डिश पे आ गए थे। और दोस्तों अब भी इनके साथ यही हो रहा है, 2022 में भी ये डीडी फ्री डिश को छोड़ के गए हैं और जैसे ही ये पेड वाले डीटीएच पे गए हैं वहां पे इनकी टीआरपी एकदम गिर गई है। अब इनको मजबूरी हो गई है कि इनको दोबारा डीडी फ्री डिश पर वापस आना पड़ेगा। और दोस्तों अगर डेट की बात करें कि ये डीडी फ्री डिश पर ये चारों चैनल वापस कब तक आएंगे, तो अभी डेट की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही दोस्तों इसका अनाउंसमेंट हो जाता है वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये चारों चैनल दोबारा डीडी फ्री डिश पर 1 जून तक आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनकी टीआरपी गिर गई है और दोबारा ये अपने आप को डीडी फ्री डिश पर ही लाएंगे, जहां से ये अपनी टीआरपी को फिर से बढ़ा सकते हैं।